शहर का दुनिया की गांव के लिए। या हॉटेल मध्ये लंच केलाय, मग अशी मी कॅमेरा लावला नाही कारण तिकडे पण थोडं पावसाचं वातावरण झालेलं, तर मी कॅमेरा काढून ठेवलेला। तर दौलताबाद फोर्ट बघून आलो, खूपच सुंदर असा तो किल्ला आहे त्याचं सॉरी तर ते बांधकाम आहे त्याचं खरंच बघण्यासारखं। पुन्हा पाऊस सुरू झाला आहे, बारीक बारीक पडतो आहे। तर आम्ही चाललो आहे झूला, सिद्धार्थ गार्डन आणि झू असं एक जागा आहे, तर त्या झूला चाललो गाड़ी से पार्क के लिए। तो चालू है जू साठी औरंगाबाद महानगर पालिका सिद्धार्थ उद्यान प्राणी संग्रहालय। टाइगर है, टाइगर रोर कर। Two hours later. बीबी का मकबरा। बीबी एक होली लेडी, रिस्पेक्ट लेडी। मकबरा बोले तो समाधि। औरंगजेब की बीबी की समाधि है, लेकिन उसके बेटे ने आजम शाह ने अपनी माँ की यादगार में बनाया, औरंगजेब नहीं बनाया। औरंगजेब इतना बड़ा बादशाह होने के बाद उन्हें अपना खुद का कब्र जो बनाया है 14 रुपये 75 पाई में समाधि बनी औरंगजेब की। क्यों? वो अपने से कुरान लिखना, टोपे सीना, वीविंग करना, उसमें गुजारा करना। औरंगजेब इज नॉट पब्लिक मनी, नॉट वेस्ट ऑफ मनी। वो नहीं सोचता था कि मेरे बीवी का इतना अच्छा बिल्डिंग बनना चाहिए, इसलिए उन्हें अलाउंस किया है कि मेरे बेटे को मार्बल देना बंद करो। बाद में पूरा प्लास्टर से बनाया, न तो वो सोचा था कॉपी करने के लिए आगरे। चलिए चलिए आगे चलिए ले जाए सर। दिस इज नॉट मार्बल बट इट लुक लाइक मार्बल, अंकल ने बोला। ये बिल्डिंग में ये स्टोन है, मराठी में इसको खड़क कहते हैं। ये प्लास्टर नए रिपेयरिंग किया है, ये 6 मंथ, ये 353 या तो ये मुझे प्लास्टर बनाया।
अभी ऑर्डर ही सिग्नेचर बनाए हाय अंकल आपका नाम मेरा नाम है मानिक यादव मस्के मानिक यादव मस्के वीआईपी टूरिस्ट गाइड 47 इयर्स नहीं सिग्नेचर अच्छा गई अभी ताजमहल देखे आपने नेक्स्ट टाइम ताजमहल जब और डबल से देखने जाएंगे वहाँ का जो गाइड लेंगे बताएंगे गाइड तो उससे मैं दो गुना ज़्यादा बताऊँगा लेकिन मैंने ताजमहल की शक्ल नहीं देखा हूँ ऑल इंडिया की हिस्ट्री किया हूँ 47 ईयर से तो जो ताजमहल का गाइड बताएगा उससे मैं दो गुना ज़्यादा बताऊँगा आपको ताजमहल के बारे में गौर से सुनिए ताजमहल में ये दीवार नहीं है ओपन गार्डन है उसका फाउंटेन काफ़ी बड़ा है ये फाउंटेन स्मॉल है ये मस्जिद नज़र आएगी ताजमहल में मस्जिद नहीं है वो साइड में है ये क्लोज में है चौथा डिफरेंस ताजमहल में ऊपर मून है चांद यहाँ चांद नहीं है यहाँ कलश है ये कलश क्यों है अपन मंदिर में कलश लगाए जाते हैं इसलिए कलश ये हिंदू आर्किटेक्चर ने बनाया इसका नाम है हंसपत राय राय ये बंगाली आर्किटेक्चर करके एक कलश है ताजमहल ईरानी आर्किटेक्चर ने बनाया इसलिए वहाँ चांद है वो गोल का है ये गोल का नहीं है क्यों नहीं औरंगजेब के बेटे के पास पैसा नहीं था खुद का माँ का एक कंगन बेच के 668203 रुपया 7 आना ये 34 एकड़ और ये मॉन्यूमेंट ताजमहल जो बनाया वो बीवी के प्यार में बनाया बीवी का प्यार बहुत ऊंचा होता है और माँ का प्यार बहुत कम होता है ऐसा क्यों ये नया ज़माना है करके इसको बीवी का मकबरा कहते हैं और जिसने जो बिल्डिंग बनाया लास्ट में आर्किटेक्चर के हाथ कट कर दिए ऐसे यहाँ नहीं किए वो सिर्फ ताजमहल में किए इसलिए कि फिर से उन्होंने हिंदुस्तान में ऐसे ताज नहीं बन पाए वो ताज है ये मिनी ताज है स्मॉल ताज है बेबी ताज है औरंगजेब से औरंगाबाद नाम पड़ा इसका नाम पहले फतेहपुर सिकरी था जैसे आगरा के पास है सेकंड खड़की जो पूना में खड़की है तीसरा नाम औरंगजेब से औरंगाबाद और चौथा नाम है संभाजी नगर ये भाजपा ने से संभाजी नगर दिए अभी और ये चारों बाजू सेम है ताजमहल सिर्फ आपको दो ही तरफ से दिखेगा सामने से और पीछे से क्योंकि तो उसके पीछे यमुना नदी है या नदी नहीं या पहाड़ी है और वहाँ दो समाधि है असली नीचे और नकली ऊपर है ये जो लोग ऊपर से देख रहे हैं गैलरी ऐसा ऊपर से समाधि का दर्शन लेके वापस आना है बाकी कुछ नहीं मकबरा भी गई अभी ये बिल्डिंग के पास शायरी सुनाओ शायरी मैं सभी को सुनाता हूँ एक मेरी खुद की शायरी जो मैंने बनाए हैं 7,500 लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर चीफ जस्टिस इनके लिए स्पेशल मैंने लिखी है ये सभी को पेश नहीं करता हूँ मेरा दिल है आपको पेश करने का वो आपको पेश करेंगे सबके लिए शायरी नहीं होती ये स्पेशल लिखी है ले लिए आप इसमें आप गौर से सुनो जब शायरी सुना रहे शायरी सुनने के बाद खुश हो जाएगा शायरी का एक्स्ट्रा गिफ्ट देने का शहर का दुनिया की गाफिल शहर का दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ जिंदगी कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ जीगे बचेंगे तो नौजवानी देखेंगे सेकंड ये टूटी टूटी दीवारें ये मिट्टी हुई मजारे ये खामोश मीनारे क्या कहती है हमें छोड़ा है किसके सहारे किसके सहारे हमें छोड़ा है किसके सहारे किसके सहारे ये नंबर थर्ड है गीत गाना चाहता हूँ आवाज़ नहीं मिलती ऐसे ताज बनाना चाहता हूँ लेकिन मुमताज नहीं मिलती तो पैसा चाहिए और पैसे चाहिए तो मुमताज चाहिए दोनों बात नहीं होता है नंबर चौथा है आई न कहता है मिरल आई न कहता है सिकंदर के सामने कुछ नहीं मुकद्दर के सामने क्या बीबी का मकबरा बघून झालेला आहे तर आता चाललोय रूमवर आणि आजचा दिवस पण खूप मोठा झाला दौलताबाद फोर्ट त्यानंतर जूड नंतर बीबी का मकबरा हालत खराब झाली आहे खूप चाललोय खूप दमायला झालं आहे
आता रूमवर जाईन, फ्रेश वगैरे होईन आणि झोपायचं, आणि उद्या सकाळी आपली रिटर्न जर्नी. रिटर्न जर्नी मी एका दुसऱ्या रूटद्वारे करणार आहे, ते तुम्हाला पुढच्या ब्लॉकमध्येच कळेल. जर हा ब्लॉक तुम्हाला आवडला असेल पूर्ण, जर तुम्ही बघितला असाल तर नक्की लाईक करा. उद्याचा ब्लॉग ही बघा पूर्ण, म्हणजे उद्याची पूर्ण रिटर्न जर्नी औरंगाबाद टू मुंबई हा ब्लॉग ही बघा तुम्ही. माझे व्हिडिओज तुम्हाला आवडत असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि खूप सारं प्रेम द्या. असेच मी नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येत राहीन. तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नगर क्रॉस केलंय मी आता, येईल पुणे. पुणे जवळजवळ इथून 100 किलोमीटर असेल माझ्या अंदाजे.